हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीए अजफर खान। तो जितने लोगों को ये रहता है ना कि मैं सीए क्यों नहीं ऐड करती अपने नाम के आगे, गाइस ठीक है मैंने आपके लिए कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द अप्रोच फॉर डूइंग ग्रेजुएशन, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग सीए ऑल्सो। हमें पता ही है कि हम ग्रेजुएशन कितने तरीकों से कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक एडिशनल भी होने वाला है जिसके बारे में आपको बताऊंगी एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। नाउ द फर्स्ट अप्रोच इज रेगुलर कॉलेज। जी हाँ, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी रहता है कि अगर हम सीए कर रहे हैं तो हमें रेगुलर कॉलेज करने की क्या ज़रूरत है। अगेन मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन 12th क्लास एंड आपकी एक अच्छे कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, अ ब्रांड आई कैन से, तो प्लीज़ गाइज रेगुलर कॉलेज ज़रूर करो। आपको कॉलेज जाने के बाद ही उसकी अहमियत पता चलेगी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं करा है, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई गिल्ट फील करता है, बट काफ़ी सारे लोग गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने रेगुलर कॉलेज क्यों नहीं करा है। तो प्लीज़ आप ये गिल्ट आगे जाकर फील ना करो, इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ डू रेगुलर कॉलेज इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज। देन डिसाइड कि आपको सी करनी है एंड कब से स्टार्ट करनी है, ओके दैट इज़ अप टू यू, बट प्लीज़ रेगुलर कॉलेज करो, ज़रूर करो। नाउ द सेकेंड अप्रोच इज़ करिस्पॉन्डेंस और ओपन लर्निंग। जी हाँ, इसमें क्या होता है ना, आपको रेगुलर बेसिस पर कॉलेज जाना नहीं पड़ता है एंड यहाँ पर अटेंडेंस का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड दैट इज़ अप टू यू कि आप कैसे उसकी तैयारी करते हो, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ नाम के लिए ग्रेजुएशन करनी है तो प्लीज़ आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आपकी सीए बहुत ज़्यादा ही ईजिली मैनेज हो जाएगी। लाइक लोग पता नहीं क्यों डरते हैं कि हम अगर ग्रेजुएशन भी करेंगे तो हम क्या सीए कर पाएंगे। नहीं गाइज, अगर आप स्पेशली कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप साथ के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहे हो। तो गाइज प्लीज़, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाए, इन दैट केस आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन करो एंड ज़रूर करो। नाउ द थर्ड अप्रोच इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। जी हाँ, इसे कहते हैं नॉन कॉलेजेट। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के पास ही अवेलेबल है। सो नॉन कॉलेजेट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड के तहत गर्ल्स के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने ग्रेजुएशन को नॉन कॉलेजेट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको डेली बेसिस पर कॉलेज नहीं जाना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, इट कुड बी सैटरडे और संडे एंड यस, यहाँ पर अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया होता है, बट एज आई सेड कि यू नो सिर्फ हफ्ते में दो दिन या फिर एक ही दिन आपको लेक्चर अटेंड करने हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, स्पेशली अगर आप सीए भी साथ के साथ कर रहे हो। सो गर्ल्स के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो सारी गर्ल्स आप इस पॉइंट को भी जरूर चेक कर सकते हो। नाउ द थर्ड अप्रोच इज यू कैन डू योर ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू और भारतीयर यूनिवर्सिटी। सो भारतीयर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की कोई यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। नाउ यहाँ से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, तो आईसीआई का इग्नू एंड भारतीयर यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके तहत क्या होता है ना कि अगर आप सीए कर रहे हो और अगर आपको ग्रेजुएशन भी करनी है तो अगर आप इन यूनिवर्सिटी से करोगे ना तो आपको सारे पेपर्स सारे एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, काफ़ी सारे पेपर्स एंड एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। इसमें आप कैसे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हो, तो इसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करनी है अपनी सीए फाउंडेशन प्लस सीए इंटरमीडिएट प्लस योर आर्टिकलशिप एज वेल, ओके। ये तीनों चीज़ करने के बाद आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सिर्फ और सिर्फ 6 एग्ज़ाम्स देने हैं, 6 पेपर्स देने हैं, ओके, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। जी हाँ, आपको तीनों साल के पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ ये 6 पेपर दे दो, आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा, आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड आर्टिकलशिप कंप्लीट करने पड़ेंगे, ओके। नाउ अगर आप पीजी डिग्री हासिल करना चाहते हो ना तो आपको क्या करना है, आपको सीए फाउंडेशन करनी है, आपको सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट करनी है, देन आर्टिकलशिप करनी है, उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू डू योर सीए फाइनल, उसमें पास होना है, ओके। ये सारे लेवल्स जब आप कर लोगे उसके बाद आपको अगेन ओके 6 पेपर्स देने हैं, उसके बाद आपको पीजी डिग्री मिल जाएगी। बट गाइज डू यू थिंक कि अभी ज़रूरी है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सीए फाइनल क्लियर करने के बाद तो आप सीए बन चुके हो ना, और जब आप सीए बन चुके हो तो वो ऑलरेडी पीजी डिग्री बन चुका है,
तो इन दैट केस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग से 6 पेपर देकर पीजी डिग्री हासिल करो, क्योंकि सीए इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। तो पहले ये पॉइंट होता था, बट जब से ये नोटिफिकेशन आई है दैट सीए इज नाउ इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री, तो अब आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यस, दीज वर ऑल द 4 अप्रोचेस थ्रू विच यू कैन डू योर ग्रेजुएशन अगर आप सीए भी कर रहे हो साथ के साथ। ठीक है, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगती है तो प्लीज़ गाइस इसको जरूर लाइक कर दें, इसको ढेर सारा शेयर करें। जिनको नहीं पता, जो यू नो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं, जिसको गाइडेंस की जरूरत है ना, प्लीज़ उनके साथ जरूर शेयर कर दें। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको चेक जरूर करना। एंड यस, विद दिस आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।